मुसनद अहमद में हदीस है कि सैयदना अली कहते हैं कि एक दफा नबी रसूल ने फरमाया कि तेरा झगड़ा होगा एक दफा आयशा के साथ। हजरत अली ने कहा मैं बड़ा जालिम होऊंगा या रसूल अल्लाह कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूंगा। अब फरमाया नहीं वो जालिम होगी उस वक्त। हजरत अली ने कहा मैं बड़ा जालिम होऊंगा या रसूल अल्लाह कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूंगा। अब फरमाया नहीं वो जालिम होगी उस वक्त। अब फरमाया नहीं वो जालिम होगी उस वक्त। तो या रसूल अल्लाह मुझे क्या हुक्म देते हैं? फरमाया कि वो जब जुल्म करेगी तो तुम उसको वापस छोड़ आना जहां से वो आई। अब जिस वीडियो क्लिप के बारे में मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं उस वीडियो को आपने भी मुलाहिजा फरमाया और उस वीडियो में क्लियरली जो है ना आपने ये बात सुनी साफ वाज़े अंदाज में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली मुश्किल गुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु से जब कहा कि जब तुम्हारे यानी हजरत आयशा और हजरत अली का जब झगड़ा हो जाए तो अब मिर्जा क्या कह रहा है वहां पर। मिर्जा ये कह रहा है कि हजरत मौला अली मुश्किल गुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह तब तो मैं बड़ा जालिम हूंगा। तो मेरे आका ने फरमाया कि ऐ अली तुम जालिम नहीं होगे बल्कि वो जालिम होगी। यानी कि जालिम की निस्बत जो है हजरत अली की तरफ भी कर दी और जालिमा की निस्बत हजरत आयशा की तरफ भी कर दी और उससे बढ़कर खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ भी उसने इस झूठ को इस बोहतान को जो है ना मनसूब कर दिया। अब देखते हैं कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के लिए और हजरत मौला अली मुश्किल गुशा रदी अल्लाह तआला के लिए जालिम का लफ्ज यूज किया या खुद जो है ना ये इस हदीस का तर्जुमा अपने मन से जो है ना कर रहा है। अब हम उस हदीस मुबारका को समाप्त करते हैं। अब ये जो मैं तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूं और उसने भी जो तर्जुमा आपके सामने पेश किया है तर्जुमा है एक और उस तर्जुमे को वो पढ़ एक रहा है। अब उसकी प्यारी ऐप है एप्लीकेशन इस्लाम 360 जिसके ऊपर वो बड़ा नाज करता है मैं उसी से जो है ना इस हदीस मुबारका को आपके सामने पढ़ रहा हूं। अब ये हदीस मुसनद अहमद में है हदीस का नंबर है 12333 यानी 12333 मुसनद अहमद की हदीस मुबारका है कि सैयदना अबू राफे से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया अन करीब तुम्हारे और आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के माबैन झगड़ा होगा। हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल क्या मेरे आपने सवाल ही अंदाज में पूछा कि या रसूलुल्लाह क्या मेरे और हजरत आयशा के दरमियान झगड़ा होगा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। उन्होंने फिर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल क्या मैं यानी मेरे और आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान झगड़ा होगा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल तब तो मैं सबसे बढ़कर बदनसीब होऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं ये बात नहीं है बस जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो आयशा को उसकी अमनगाह तक पहुंचा देना। अब जो ये लफ्ज है अशकाहुम ये बना है शकी से। अब शकी कुरान मुकद्दस में भी ये लफ्ज यूज हुआ है एक मुकाम पर कि अल्लाह पाक फरमाता है कि फमिन हम शकीयू व सईद शकी के मुकाबले में शकी के आगे जो है सईद का लफ्ज वहां पर यूज किया गया तो वहां पर भी जो है ना ये लफ्ज मौजूद है और शकी ही से जो है ये अशकाहुम बना है। अब यहां पर अशकाहुम का जो तर्जुमा मौजूद है उस एप्लीकेशन में ही कि या रसूल अल्लाह मैं तो बड़ा बदनसीब हूंगा और ये मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला ने आजिजी और इंकिसारी में फरमा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी जोजा के साथ झगड़ा होगा मेरा तो तब तो मैं बड़ा बदनसीब हूंगा। तो ये एक आजिजी और इंकिसारी में अफसोसनाक जो है ना ये जुमला है कि या रसूल अल्लाह मैं तो बड़ा बदनसीब हूंगा। अब इस लफ्ज को मिर्जा जो है ना ये कह रहा है कि या रसूल अल्लाह मैं तो बड़ा जालिम हूंगा तो माज़ल्लाह हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन के साथ लफ्ज़ जालिम यूज करना ये तो खुद मौला अली के ऊपर जो है ना झूठ बांधना है। और खुद इस हदीस के अगर आप सनत को देखेंगे तो ये हदीस जो है उसूल मुहदीसीन के नजदीक जो है ज़ईफ़ है और खुद मिर्जा कहता है कि ज़ईफ़ अहादीस ने उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब यहां पर ये खुद ही ज़ईफ़ हदीस को जो है ना पेश करके उसमें फिर प्लस जो है ना हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला पर ये झूठ बांधा बोहतान बांधा कि मौला अली ने अपने आप को कहा कि मैं बहुत बड़ा जालिम हूंगा माज़ल्लाह। अब फिर यहां तक ही नहीं बल्कि खुद हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के लिए भी ये लफ्ज यूज किया गया कि वो जालिमा होंगी। अब फिर इससे बढ़कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के लिए ये लफ्ज कहा गया कि आपने फरमाया कि ऐ अली तू जालिम नहीं बल्कि वो जालिमा होगी। तो जालिम और जालिमा कहने वाली जात कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बकौल इस इंजीनियर मिर्जा के माज़ल्लाह।
तो मुसलमानों याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ह फरमान है और इरशाद गिरामी है कि मन कदबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़ादहु मिन नार, मुत्तफ़क़ुन अलैहि, हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब यहां पर इंजीनियर ने जानबूझकर, जो कि वो तर्जुमा है ही नहीं, वो तर्जुमा जो है ना किया, तो इसलिए हक्कानियत को पहचाने, इस इंजीनियर के धोखे से अपने आप को बचा ले, इसलिए कि ये शख्स खुद तो गुमराह ही है, गुमराह गर भी है, दूसरों को भी गुमराह करने वाला है। अब यहां पर खुद आप देख सकते हैं, बाद बात में वो पंजतन का नाम लेता है, मौला हसन और मौला हुसैन का नाम लेता है, हजरत फातिमा का नाम लेता है, कहता है कि मुझे अहले बैत से मोहब्बत है, मैं हुसैनी हूं। तो क्या अब माजल्ला तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के बाबा को जालिम ठहराएगा? तो इमाम हसन रजी अल्लाह तआला के बाबा को जालिम ठहराएगा? क्या माजल्ला तो हजरत खातून जन्नत के शौहर को जालिम ठहराएगा? क्या माजल्ला हजरत सैयदतना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो तमाम मोमिनों की माएँ हैं, खुद मौला अली की भी वो माँ ठहरी क्योंकि वो उम्मुल मोमिनीन है, क्या उन्हें तो जालिमा ठहराएगा? तो यहाँ पर आप अगर गौर करें तो ये तर्जुमा, ये लफ्ज आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा? इंजीनियर को चाहिए था कि वो इस लफ्ज से रुजू कर लेता और एक वीडियो क्लिप बनाकर ये कह देता कि मुझसे सबकत लिसानी हो गई है, वहां पर ये लफ्ज नहीं था बल्कि ये लफ्ज था, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। लेकिन उसने नहीं किया बल्कि उसके ऊपर डटा रहा और आज भी वो डटा हुआ है। अल्लाह तबारक व ताला हमें ऐसे गुमराह लोगों की जो है सोहबत से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें अहले सुन्नत व जमात पर हमेशा कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि